वाह वाह, क्या मजे का खाना बना है। दिल कर रहा है, खाता ही रहूं खाता ही रहूं। खाला एक बात तो सच्ची हो, बाजार का खाना खा खा के ना मेरी तो तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो शुक्र है आज आप लोग आ गए, तो इसी बहाने हमें भी अच्छा खाना खाने को मिल गया। ऐसी क्या बात है, रोज आ जाए करो खाना खाने, ये दो गलियां छोड़ के तो रहते हैं हम। सोच लो, सचमुच रोज आ जाया करो। आखिर मेरी खाला का घर। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो आदत होनी चाहिए खान। सफिया खाला हो भी तो खाना अक्सर बाहर से ही आता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा मतलब खाला, अम्मी काफी बीमार रहती हैं, इसलिए बस। तो तुम खाना बनाना सीख लो ना, अब देखो बातें तो तुम बनाती हो, थोड़ा सा घर के कामों में भी दिलचस्पी लोगी तो अच्छी बात हो। भाई ये हमारे घर का मसला है, मुझे नहीं अच्छा लगता अम्मी के अलावा मुझे कोई नसीहतें करे। ऐसे ही फिर इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है, ठीक तो कह रही है, लड़कियों को घर के काम का जाने चाहिए। खाला बिल्कुल ठीक कह रही है जोही, घर के काम का आने चाहिए ना तुम्हें, इसमें क्या बुराई है? खाला नसीहतें आप अपनी बेटी को ही किया करें ना। मैं नहीं खा रही, अम्मी आएंगी ना बताऊंगी उन्हें, इस तरह ना छोड़ के जाया करें मुझे आज के बाद। खाना क्या बना के खिला दिया, बातें सुनाई जाती है, वही है जो मेरे लाड उठाती है, हाथों में रखती है मुझे। मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है सर। खा लिया था? खाना कुछ 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 मीठा ला के दो। नहीं वैसे इरफान, मैं ना जोई की वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ। सफिया ने तो इसे कुछ भी नहीं सिखाया, अगले घर जाके क्या करेगी? मेरी शफो इकलौती है, पर मैंने ना उसकी तरबियत बड़ी सख्ती के साथ की है, सारी घरदारी जानती है। ठीक कह रही हैं आप खाला, खाला मैं जरा हाथ धो के। लाओ ना, मैं मदद कर देता हूँ। कहाँ मेरे पीछे आ गए हो? कमाल है भाई, मतलब भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। मैंने सोचा कि तुम अकेली ये सारे बर्तन लेकर आ रही हो, अब खड़ी होके धोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, किचन का काम अच्छा कर लेता हूँ मैं। से एक बात कहूँ, तुम आती हो ना अच्छा लगता है, रोज आ जाया करो। हाँ जैसे मुझे और कोई काम नहीं है ना। नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरतमंद की मदद करना बहुत बड़ी नेकी होती है, समझ लो मैं वो जरूरतमंद। वैसे इरफान मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम कहते हो कि वो कहते हैं, ये वो कौन है? वो अरे वो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे वो के नाम कैसे बता दूं भाई, कोई किसी मजहब से है, कोई किसी किताब से निकला हुआ है, कोई किसी कल्चर का है। तुम छोड़ो ना, इन बातों में क्यों पड़ गई हो तुम ये तो इधर मुझे, मैं रख देता हूँ। नहीं मैं रख लेती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना लाओ ना, मैं रख देता हूँ, मेरे घर आकर तुम काम करोगी अच्छा थोड़ी लगेगा। अब और ये जो तुम मुस्कुराई थी, मुस्कुराहट को मैं हाँ समझो, तुम जब ऐसे मुस्कुराती हो ना बहुत अच्छी लगती हो।